नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। हरियाणा में आज क्या है खबरों का हाल, चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं भिवानी से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज तीन सत्रों में बीजेपी की मीटिंग होगी। पहला सत्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णयों पर चर्चा होगी, दूसरे सत्र में हरियाणा सरकार की योजनाओं पर मंथन होगा, तो वहीं तीसरे सत्र में पिछले तीन महीनों के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है और तीन सत्र में ये मीटिंग होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की भिवानी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल से ये बैठक आयोजित हो रही है और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। आज तीन सत्रों में बीजेपी की ये बैठक होगी। पहले सत्र में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णयों पर चर्चा होगी, तो वहीं दूसरे सत्र में हरियाणा सरकार की योजनाओं पर मंथन होगा। बात करें तीसरे सत्र की, जहां पिछले तीन महीनों के कार्यक्रमों की रिव्यू की जाएगी। पिछले तीन महीने में किस तरह से प्रदेश में कार्य हुए हैं, धरातल पर कौन कौन से कार्य पहुंचे हैं, इसको लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। तो आज कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है, तीन सत्र में ये मीटिंग होगी बीजेपी की, जिसमें पहले सत्र में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णयों पर चर्चा होगी, तो वहीं दूसरे सत्र में हरियाणा सरकार की योजनाओं पर मंथन होगा। तीसरे सत्र में पिछले तीन महीनों के कार्यक्रमों की चर्चा की जाएगी। पिछले तीन महीने में किस तरह से तमाम जो काम है सरकार के, वो कैसे हुए हैं, इसको लेकर भी रिव्यू किया जाएगा। तो भी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। तो इसी खबर पे तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आज की जिस तरह से तीन सत्र में होने वाली है, क्या खास आज की बैठक में देखने को मिलेगा? बिल्कुल अपूर्वा, अगर बात करें, आज काफी अहम दिन है बीजेपी के लिए। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हालांकि कल आगाज किया गया था और आज उसको अंजाम दिया जाएगा। तीन लेवल की बैठक आयोजित की जाएगी। पहले लेवल की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। हालांकि उद्बोधन जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष का होगा, उसके बाद बैठक जो है उसका जो अवसान होगा उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। तमाम पदाधिकारी जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। जिन जिन जिलों में, चाहे जिला परिषदों की बात की जाए, नगर परिषदों की बात की जाए, जहां पर जो बीजेपी जेजेपी से जुड़े हुए जो नुमाइंदे हैं वो लोग इसमें शिरकत करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, मंथन किया जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरह से जो निर्णय लिए गए थे, जो फैसले लिए गए थे, उनकी समीक्षा की जाएगी, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। दूसरे सत्र की अगर मैं बात करूं, दूसरे सत्र में प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं उन योजनाओं पर मंथन किया जाएगा, गहनता से विचार किया जाएगा। उसके बाद तीसरी जो बैठक आयोजित की जाएगी मिशन 2024 को लेकर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। किस तरह की स्ट्रेटेजी अख्तियार की जानी चाहिए, किस तरह के निर्णय लिए जाने चाहिए, किस तरह से बीजेपी आगे बढ़े ताकि चुनाव में जो है जीत हासिल कर सके, इस मकसद को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, क्या ऐसे में बजट को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए, पहली और सबसे बड़ा जो मकसद है, कल भी हमने बात की थी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से, तो उनका कहना था कि मिशन 2024 को लेकर ये बैठक आयोजित की जा रही है। हालांकि आमजन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी मंथन किया जाएगा कि आमजन से जुड़ी जो समस्याएं हैं, चाहे पीपीपी कार्ड की बात की जाए, चिरायु कार्ड की बात की जाए, दूसरे तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जानी है। तो जाहिर तौर पर आमजन से जुड़े मुद्दों में बजट भी एक बात है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन बैठकों में शिरकत करेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश से जुड़ी तमाम उन बातों पर, उन मुद्दों पर मंथन किया जाना बेहद जरूरी भी है और लाजमी भी है, और वो किया भी जाएगा। इस तरह की बात बीजेपी से जुड़े लोग बिल्कुल सुमित, जहां तक देखा जाए तो आने वाले चुनाव को लेकर कई तरह की स्ट्रैटेजी भी इस बैठक में बनाई जा सकती है कि किस तरह से एक बार फिर से बीजेपी यहां सत्ता में आए। सुमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो आपको बता दें कि तीन सत्र में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक होने वाली है, जहां पर जनता के मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी, तो वहीं आने वाले चुनाव को लेकर भी एक स्ट्रैटेजी के तौर पर इस बैठक में चर्चा होगी और स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि आने वाले चुनावों में किस तरह से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो तीन सत्र में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक आज आयोजित होगी। कल से यह बैठक शुरू हो गई है और आज ये बैठक का दूसरा दिन है।